नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। मैं हूं आपके साथ मनराज सक्सेना। वक्त हो गया है फटाफट खबरों का, लेकिन उससे पहले चुनावी खबर आपको बता दें कि चुनावी संग्राम में लगातार आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है और दिया कुमारी पर अब खाशियावास ने पलटवार किया है। राजा मानसिंह की वंशज अपना इतिहास भूल गई है ये कहते हुए नजर आए खाशियावास। दिया कुमारी ये भूल गई है कि उनके पिता कांग्रेस से चुनाव लड़ चुके हैं। दिया कुमारी गुजरात में राजपूत के अपमान कुछ नहीं बोलती हैं। दिया कुमारी कांग्रेस को कोरोना बीमारी बता रही हैं। कहा राजा मानसिंह की वंशज अपने इतिहास को भूल गई हैं। वो ये भूल गई हैं कि इनके पिता कांग्रेस से चुनाव लड़ चुके हैं। वो गुजरात में राजपूत के अपमान पर कुछ नहीं बोली। दिया कुमारी जी, आप छत्राणी हैं, अपने मान सम्मान को देखकर बोला करें। सुनिए क्या कुछ कहा है। दिया कुमारी जी का मैं सम्मान करता हूं, हमारे जयपुर की प्रिंसेस है। वो कह रही हैं कांग्रेस को बीमारी बताया है, कोरोना, और कोरोना बताया है, और वो भूल जाती है कि उनके पिता, उनका पूरा देश, पूरी दुनिया हम सम्मान करते हैं। हिजाइनेस भवानी सिंह जी हमारे बहुत सम्माननीय थे, आज भी हम हाथ जोड़ के उनका सम्मान करते हैं। महाराजा जय सिंह का हम सम्मान करते हैं, क्योंकि हम लोग लगभग कहीं ना कहीं जुड़ते हैं एक दूसरे से, मैं विकसा सर। लेकिन आप ये तो सोचो, आप बीमारी बता रही हो, आपके फादर चुनाव लड़ चुके हैं कांग्रेस से, कल आइए आप बीजेपी में, इतना उत्तेजित हो रही है, इतना जोश में है आप। हम आपके सम्मान को ठेस नहीं पहुंचाना चाहते, लेकिन आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि आप कम से कम प्रिंसेस बन के बोला करो। आप जयपुर में, आपका एक सम्मान है, आप राजा मानसिंह के खानदान से हैं जो काबुल और कंधार पहुंच गए थे फतेह करने के लिए। आप भूल जाती हैं अचानक आप बीजेपी की कार्यकर्ता बन गई, तो आपका इतिहास कुछ नहीं है क्या? आपका इतिहास नहीं मानती क्या आप? आपके इतिहास को तो आपको मानना पड़ेगा कि आप एक छत्राणी हैं। आपको जवाब देना चाहिए कि पगड़ी क्यों उछाली राज सिंह शेखावत की। आपको जवाब देना चाहिए कि लोग हल्दी गाड़ी याद दिला रहे हैं। आपको जवाब देना चाहिए कि महाराजा भवानी सिंह जी ने कांग्रेस से चुनाव लड़ा था। ये जो जिस तरह की भाषा, आप इतने जल्दी घबरा गए। बढ़ते आगे, ऑर्गन ट्रांसप्लांट फर्जी एनओसी मामले से जुड़ा बड़ा अपडेट अपने दर्शकों को देने की, आरोपी गौरव सिंह, विनोद सिंह और अनिल जोशी को जेल भेजा गया है। दो दिन की रिमांड पर आरोपी चल रहे थे, रिमांड खत्म होने पर कोर्ट में पेश किया गया। एसीबी ने तीन बार कोर्ट में पेश कर कुल 9 दिन की रिमांड ली। 70,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए पकड़े गए थे गौरव सिंह और अनिल जोशी। मामले में दो निजी हॉस्पिटल के ऑर्गन ट्रांसप्लांट सर्जन सहित 6 से ज्यादा लोग एसीबी के रडार पर हैं। दो ट्रांसप्लांट सर्जन से मोबाइल जब्त किए गए हैं। एसओजी पूछताछ उनसे कर रही है। एफएसएल को भी इन मोबाइल्स को भेजा गया है ताकि साक्ष्य जुटाए जा सके। और अब आपको दिखाते हैं तमाम खबरें फटाफट अंदाज में।